गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए बेटा, आज हम आपका सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है स्वर्णकाक। ठीक है, स्वर्णकाक मीन्स सोने का कौवा। स्वर्णकाक मीन्स सोने का कौवा। स्वर्ण मीन्स सोना, वो वाला सोना नहीं जो आपकी मम्मी पहनती है कानों में, गले में, हाथों में, वो गोल्ड कहलाता है। गोल्ड वो ही सोना होता है सोने का, वो वाला सोना नहीं। शिल्प जो हम सोते हैं बिस्तरों में, वो नींद लेना नहीं, ये होता है गोल्ड सोने का कौवा। तो देखिए, किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले हमको उसके क्या पढ़ने हैं, शब्दार्थ। क्या पढ़ने हैं हमको उसके, शब्दार्थ। ठीक है, तो शब्दार्थ जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा नहीं। देखो, जिन बच्चों को हिंदी ट्रांसलेशन समझ में नहीं आता, इसका इंग्लिश भी दे रखा है। ठीक है, जैसे नयवसत रहता था, दुहिता पुत्री, स्थाल्यम थाली में, खगेभ्य पक्षियों से, समुडिभ्य उड़कर, स्वर्ण पक्ष सोने का पंख, रजत चंचु चांदी की चोंच, तंडुलान चावल, निवारयंती रोकती हुई, माँ सचु दुखी मत हो, प्रोवाच कहा, प्रहर्षिता खुश हुई, प्रसादम भवन या महल। ठीक है, गवाक्षात खिड़की से, सोपानम सीढ़ी, अवतार यामी उतारता हूँ, आसादात पहुँचा, विलोक्य देख कर, प्राह कहा, प्रात राशम सुबह का नाश्ता, व्याजहारम कहा, पर्यवेशितम परोसा गया, महाहारणी बहुमूल्य लुब्धा लोभी, निर्भिसंती निंदा करती हुई, और प्रतर्ज्य छोड़ दिया। ठीक है बेटा, जब हमने शब्दार्थ पढ़ लिया, हमको शब्दार्थ की थोड़ी बहुत टॉपिक समझ में आए, तो हम इसको चर्चा करते हैं एक पार्ट से। आपको सबको पता होना चाहिए कि कोई भी लेसन होता है वो किसी भी कहानी पर आधारित होता है, या तो कहानियों पर या श्लोकों पर। बिना कहानी या बिना श्लोकों के कोई भी चीज़ रेगुलर यूज़ में नहीं आती। और आपको ध्यान होना चाहिए, जो संस्कृत की कहानियाँ हैं वो पशु पक्षियों की, अधिकतर कहानियाँ पशु पक्षियों के ऊपर आधारित की गई है, जिसमें पंडित विष्णु शर्मा या नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा क्या लिखा, पंचतंत्र, और नारायण शर्मा ने लिखा हितोपदेश। तो उसी प्रकार देखो, यह एक गरीब लड़की की कहानी है जिसकी माँ चावलों को धूप में सुखाकर उसको आदेश देकर चली जाती है कि तू चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, लेकिन एक सोने का अनोखा कौवा आकर उसके दानों को चुगता है। तो वो लड़की जब उस कौवे को भगाती है तो कौवा कहता है कि तुम मुझे खाने दो, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूँगा। तो उसको वह एक पेड़ के नीचे बुलाता है गांव के बाहर। वह लड़की वहाँ जाती है तो वो सोने का कौवा बहुत बड़े महल से देख, महल की खिड़की से देखकर उसको कहता है कि तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी। तो वो लड़की तो गरीब थी, वो कहती है मैं तो तांबे की से आऊँगी, लेकिन सोने का कौवा उसके सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाता है, उसको खाना भी सोने के बर्तनों में देता है। फिर वो लड़की कहती है अब मेरा घर जाने का टाइम हो गया, तो कहता है अब तुम इन तीन संदूक में से एक ले जाओ, एक सबसे छोटी, एक बीच की, एक सबसे बड़ी होती है। लेकिन वो गरीब लड़की थी तो वो सबसे छोटी संदूक ले आती है, और घर आके देखती हो तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कहानी है। तो अब देखिए, हम शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। तो देखो, प्रस्तुत पाठ पद्मशास्त्री विचरितम विश्वकथा शतकम इति कथा संग्रात उद्धितो अस्मि। प्रस्तुत यह पाठ, प्रस्तुत यानी प्रस्तुत एम यानी यह पाठ, श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्वकथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्ता नाम फैली हुई 100 से भी अधिक लोक कहानियों का वर्णन माना जाता है। शतम यानी 100 से अधिक कहानियों का वर्णन माना जाता है। ऐसा यह कहानी मायम्यार देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कहानी है। मायम्यार देश की, वर्मा देश की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। इस कथा कयाम कथा में लोभ के दुष्परिणाम का तथा त्याग का सुपरिणाम, सोने के पक्षी की, सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णन है। ठीक है बेटा, पढ़ा सबने कि जो यह पाठ है ये पद्मश्री शास्त्री द्वारा रचा गया विश्वकथा शतकम नामक कहानी से लिया गया है। यहाँ विभिन्न राष्ट्रों में फैली हुई 100 से भी अधिक लोक कहानियों का वर्णन माना जाता है। यह कहानी वर्मा
म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कहानी है। इस कहानी का के लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम सोने के पंखों के कौवे के माध्यम से दिया गया है। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखो, पुरा कस्मिंचित गामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसन। पुरा यानी पहले, पुरा मीन्स पहले, कस्मिंचित किसी पहले किसी ग्रामे गांव में एकाएक निर्धन गरीब वृद्धा बुढ़िया स्त्री रहती थी। न्यवसन का अर्थ होता रहना, तो रहती थी। पहले किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसी। तस्या उसकी एकाएक दुहिता पुत्री विनम्र और मनोहर थी। उसकी एक पुत्री विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य। एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चामलों को निक्षिप्य डालकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षे। सूर्य के प्रकाश में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। क्या आदेश दिया उसकी माता ने कि सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कुछ कालांतरम समय बाद, काल मीन्स समय, अनंतरम मीन्स बाद में, जब विच्छेद करोगे तो हो जाएगा काल प्लस अनंतरम। जैसे कि देखो, काल और अनंतरम, काल यानी समय और अनंतरम यानी बाद में। कुछ समय बाद एको विचित्र काके एक अनोखा कौवा समूढ़ीय उड़ करके तस्या समीपम आगच्छत उसके पास आया। उसके किसके? लड़की के चावलों के पास आया। पहले किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य के प्रकाश में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक अनोखा कौवा उड़ करके उसके पास आया। तो देखिए अब लड़की क्या कहती है। नेतादृशा स्वर्ण पक्षो रदत चंचु स्वर्ण काके तया पूर्वम दृष्टम। ने प्लस एतादृशा, जब आप इसका विच्छेद करोगे दो शब्द निकलेंगे, ने प्लस एतादृशा, ने यानी नहीं, एतादृशा यानी ऐसा। ऐसा स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों वाला, पक्षो मीन्स पंखों वाला, और रजत यानी चांदी की चंचु चोंच वाला स्वर्ण का सोने का कौवा तया उसके द्वारा पूर्वम पहले दृष्टम देखा गया, न यानी नहीं। ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम उसको तंडुलान चामलों को खादतम खाते हुए चे असंतम और हंसते हुए विलोक्य देखकर बालिका ने रोदितुम आरब्धा रोना प्रारंभ कर दिया। कि उसको किसको देखकर, है ना, उस सोने के पंखों वाले कौवे को देखकर, ठीक है, सोने के पंखों वाले कौवे को देखकर बालिका ने क्या कर दिया बेटा, रोना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए आप वापस, कि ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम उसको किसको, कौवे को, तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हुए और असंतम हंसते हुए विलोक्य देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। तम निवारयंती, तम यानी उसको, निवारयंती भगाती हुई या दूर करती हुई सा उसने प्रार्थना की। तम यानी कौवे को भगाते हुए बालिका ने प्रार्थना की, साया बालिका के लिए आया, बालिका ने प्रार्थना की। तंडुलान माँ बख्शे चावलों को मत खाओ, तंडुलान माँ बख्शे चावलों को मत खाओ। मदिया मेरी,
माता अतिव निर्धना वर्तते, बहुत गरीब है। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष है, सोने के पंखों वाले काके कौवे ने प्रवाचे कहा। माँ सचु, माँ का अर्थ होता है मत, और सचु यानी दुखी, दुखी मत हो वो। सूर्योदयात प्रागे, सूर्योदय से पहले, प्राग का अर्थ होता है पहले, सूर्योदय से पहले। ग्रामात वही गांव के बाहर। पिपलम वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के नीचे, तनु मीन्स नीचे, त्वया तुम आगंतम आ जाना। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, पीपल के पेड़ के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, अहम यानी मैं तुभ्यम तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता प्रसन्न हुई बालिका को निद्रा अपि नींद भी न लेभे, प्राप्त नहीं हुई, मतलब उसको क्या नहीं हुई, नींद भी नहीं आई। वापस देखिए बेटा एक बार कि क्या कहा उसने। ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। कौवे को तम यानी उसको भगाते हुए उसने, बालिका ने प्रार्थना की, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है, मेरी माता बहुत गरीब है। सोने के पंखों वाले कौवे ने, सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, दुखी मत हो वो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, आगे इतना, अब आगे का श्लोक देखिए। सूर्योदयात पूर्वे सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व पहले ही सा वह तत्र वहाँ उपस्थित हो गई। कौन हो गई थी वो, बालिका, जहाँ उसको कौवे ने बुलाया था। सूर्योदय से पहले वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरी विलोक्य, पेड़ के ऊपर देखकर सहा वह आश्चर्यचकित हो गई कि तत्र वहाँ स्वर्णमय सोने का महल बना हुआ है, कि वहाँ सोने का महल है, सोने यानी गोल्ड का। यदा जब काके कौवे ने जागा, जब कौवा सोकर के प्रबुद्ध जागा, तदा तब तेन उसने स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से, गवाक्षात होता है खिड़की से, कथितम कहा, अहो अरे बाले बालिका, तू आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वे करते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतार यानी सीढ़ी उतारता हूँ। तत यानी तो, कथ यानी कहो, स्वर्णमय सोने की, रजतमय चांदी की, वा यानी अथवा तांबे की। कन्या उदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु पूजिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने व आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम परंतु स्वर्ण सोपाने, सोने की सीढ़ी से सा वह सोने के भवन में चढ़ी। ठीक है बेटा, तो एक बार देखिए। सूर्योदय से पहले वह वहाँ उपस्थित हो गई। पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने से बना हुआ महल है। जब कौवा सोकर के उठा, तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तो कहो, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की, सोने की बनी हुई, चांदी की बनी हुई अथवा तांबे की, उसने कन्या से पूछा कौवे ने। कन्या उदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने व आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में चढ़ी। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।